हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वेदी गुरुज में। आज वेदी गुरुज क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, क्या क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और कितने वेरिएबल्स में वो एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 2.3 में। वीडियो शुरू करने से पहले, हमारा चैनल द वेदी गुरुज आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक जरूर देखें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनकी हमें क्लासिफिकेशन करनी है एज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कि वो वन वेरिएबल में है, टू वेरिएबल में है, या थ्री में है, या फोर में, वट एवर इट इज एटसेट्रा। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है, तो इस पॉलिनोमियल में क्लियर है वेरिएबल x ही है सिर्फ, तो एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल का मतलब यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट, वाई क्यूब माइनस फाइव वाई, इसमें जो वेरिएबल है वो है y, और सिर्फ y है, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। After this, let's come on to the third part, xy plus yz plus zx. तो इसमें देखिए, एक तो x variable है, एक y, दो हो गए, और एक z, तीन variable है इसके अंदर, तो this is a polynomial in three variables. आपने सिर्फ mention करना है कितने variable है। Fourth part देखिए, x square minus 2xy plus y square plus 1. तो एक तो variable x हो गया और एक y हो गया, तो इसका मतलब ये दो वेरिएबल्स में एक पॉलिनोमियल है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, लिखा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है हमें पॉलिनोमियल की, और डिग्री आपको पता है, डिग्री का मीनिंग होता है हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसकी जो भी हाइएस्ट पावर होगी वो डिग्री होती है। तो हमें चेक करना, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए चेक करते हैं। इसमें जो पॉलिनोमियल है 2x माइनस 1 यानी x रेज टू पावर 1 है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर डिग्री क्या हो गई 1। सेकंड पार्ट की बात देखते हैं, सेकंड पार्ट में सिर्फ माइनस 10 लिखा है, यानी आप माइनस 10 इंटू x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू 1 भी लिखा जा सकता है, और 1 का मतलब होता है x की पावर 0, यानी जो भी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता उनकी डिग्री हमेशा जीरो होती है, तो डिग्री जीरो गई सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखिए, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3x रेस टू पावर 5, ये x रेस टू पावर 5 हाईएस्ट पावर है x की, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो 5 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, देखिए y क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस y रेस टू पावर 4, पॉलिनोमियल ब्रैकेट में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, y क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y रेस टू पावर 3 माइनस, ये y रेस टू पावर 3 है, ये y रेस टू पावर 4 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 4 7, यानी y क्यूब माइनस y 7 पॉलिनोमियल आई हमारे पास, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी वेरिएबल की, वेरिएबल y है, हाईएस्ट पावर है 7, तो इसका मतलब जो फोर्थ पार्ट है पॉलिनोमियल का उसमें हमारी जो डिग्री है दैट इज इक्वल्स टू 7। देखिए, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, फॉर द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 6, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, इसके लिए अलग अलग पार्ट्स हमें बताने हैं, डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की, कोफिशियंट बताना है x रेज टू पावर 3 का, कोफिशियंट बताना है x रेज टू पावर 6 का, और कांस्टेंट टर्म बतानी है। तो यहां पर देखिए, जो अपॉन में 5 लिखा है ये इन तीनों टर्म्स के नीचे लिखा है, सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे, जैसे पहले 5 इसके x क्यूब के नीचे लिखा जाएगा, तो 1 अपॉन 5 x क्यूब लिखा जाएगा, फिर ये 2x के नीचे लिखा जाएगा तो ये 2 अपॉन 5 x बनेगा, फिर प्लस इस 1 के नीचे भी लिखा जाएगा यानी 1 अपॉन 5 माइनस, अब ये 7 अपॉन 2 x रेस टू पावर 2 और माइनस लास्ट टर्म एज इट इज x रेस टू पावर 6। ये हमने पॉलिनोमियल को अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसमें से वेरियस पार्ट्स चेक करेंगे जो हमें कहा गया, जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट पार्ट में हमें डिग्री बतानी है इसकी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल,
वेरिएबल एक्स है और हाईएस्ट पावर देखिए यहां पर है कितनी, 6, तो डिग्री हो गई इसकी 6। सेकंड पार्ट में पूछा गया कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, कोफिशियंट मतलब होता है जो भी टर्म एक्स क्यूब के साथ लिखी है, ये एक्स क्यूब है वेरिएबल, इसके साथ क्या लिखा है 1/5, तो आप लिख देंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/5। बात करेंगे थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में पूछा गया कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 6, अब ये एक्स रेस टू पावर 6 है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा मतलब इनटू में 1 तो आएगा ही आएगा, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 6 जो हो गया वो हो गया इज इक्वल टू -1 विद नेगेटिव साइन। उसके बाद फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है द कॉन्स्टेंट टर्म पूछी गई, कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता, तो देखिए पहली टर्म में एक्स क्यूब वेरिएबल है, दूसरी में एक्स, तीसरी में कोई वेरिएबल नहीं है, ये 1/5 विदाउट वेरिएबल टर्म है, तो इसका मतलब जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म हो गई फोर्थ पार्ट का आंसर दैट इज इक्वल्स टू 1/5, कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 1/5। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, लिखा है राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट बताने हैं हमने ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, कुछ पॉलीनोमियल्स दे रखी हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है पाई बाय 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोफिशियंट हमने बताया जो भी जैसे एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट पूछे हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या लिखा है, देखिए कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखा है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया वो हो गया 1। सेकंड पार्ट की बात करेंगे, सेकंड पार्ट में देखिए ये पॉलीनोमियल है 3x-1, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मतलब हम खुद से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 0x² + 3x-1, यानी जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ वो क्या हुआ 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है और जो टर्म मिसिंग होती है उसका कोफिशियंट 0 होता है। थर्ड पार्ट x-1 3x-1 प्रोडक्ट में, देखिए पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, मतलब पहले इस x से हमने इस ब्रैकेट 3x-4 को मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस साइन, और फिर इस 1 से इस ब्रैकेट 3x-4 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -3x और ये -4, तो ये हमारे पास पॉलीनोमियल आगे सॉल्व करके 3x² - 7x + 4, तो देखिए क्लियर है यहाँ कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का कितना आ गया हमारे पास 3, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 इन द थर्ड पार्ट। इसी तरह फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, देखिए फोर्थ पार्ट में वैसे तो कोफिशियंट यहाँ नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर का 2 है, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लाई में भी है 2x-5 के साथ, तो बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह पहले इसे भी सॉल्व करेंगे, इस 2x से आपने इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 2x² - 3x + 1, फिर ये -5 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 2x² - 3x + 1। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 2x को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4x² और x मल्टीप्लाई होंगे तो x³, माइनस 2x को 3x से करेंगे तो 6x² और 2x को 1 से तो +2x, बाहर माइनस साइन है 5 से मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म्स को, 2x² को 3x को और 1 को, और साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये बनेगा -10x², ये साइन चेंज हो जाएगा +5 × 3 = 15x और फिर साइन चेंज हो जाएगा -5 × 1 = 5, तो देखिए क्या आया 4x⁴। ये टर्म है एक तो एक्स स्क्वायर की, यहाँ पर -6x² और एक ये 10x², दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे और साइन बड़ी टर्म का रहेगा, यानी -10 का साइन रहेगा माइनस और 10 + 6 = 16, तो -16x² +2x + 15x = 17x - 5, ये पॉलीनोमियल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है और इसमें क्लियर है, देखिए जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमें नजर आ रहा है 16, बट आपने वो विद नेगेटिव साइन लेना है तो दैट इज इक्वल्स टू -16। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, एनसीईआरटी एग्जांपलर का, पॉलीनोमियल्स का फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए कॉन्स्टेंट। अब आपको बताना है कि पॉलीनोमियल कॉन्स्टेंट है, लीनियर पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो हम आपको बता देते हैं ये क्वालिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन है ये होती है पॉलीनोमियल्स की डिग्री के बेसिस पे, जो भी डिग्री जिसकी डिग्री 0 होगी वो तो होगी कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, जिसकी डिग्री होगी 1 उसको बोलेंगे लीनियर, डिग्री 2 वाली जो पॉलीनोमियल होंगी उनको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक जिनकी डिग्री 3 होगी
जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होगी उनको बोलेंगे क्यूबिक। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, डिग्री कितनी है 3, तो इसका नाम क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट, 3x³, डिग्री अगेन 3, तो नाम हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट, 5t माइनस रूट 7, टी रेस टू पावर 1 लगा सकते हैं, मतलब डिग्री 1 हो गई, तो इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट, 4 माइनस 5y स्क्वायर, डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिफ्थ पार्ट, डिग्री है ही नहीं, मतलब 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब डिग्री 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई आपकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट, 2 प्लस एक्स, एक्स रेस टू पावर 1, डिग्री 1 है, तो मतलब लीनियर। वाई क्यूब माइनस वाई, डिग्री 3, तो क्यूबिक। एट्थ पार्ट, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक। और अगेन नाइन्थ पार्ट, टी स्क्वायर, डिग्री टू का मतलब अगेन क्वाड्रेटिक। और लास्ट पार्ट टेंथ, रूट 2x माइनस 1, एक्स रेस टू पार 1 है, तो इसका मतलब डिग्री 1 हो गई, तो नाम हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमने अब डिग्री के बेसिस पे की है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, एग्जाम्पल्स देने आपको, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल विच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल जो भी हम लिखेंगे उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, 1 टर्म, और उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, यानी हम सिर्फ चाहे तो x लिख सकते हैं, साथ में कोई कॉन्स्टेंट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, सपोज 3x मैंने लिख दिया, तो ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है, और x रेस टू पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है। आप कोई और भी लिख सकते हैं, तो डिफरेंट बच्चों के लिए इसके डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। दूसरे पार्ट में बाइनोमियल लिखनी है, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स, आपको ऐसी पॉलिनोमियल लिखनी है जिसके अंदर 2 टर्म्स हो और डिग्री 20 हो, तो इसके लिए भी डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, आप अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट लिखता हूं मैं 3x रेज टू पावर 20 प्लस एक टर्म कोई भी और लिख सकते हैं, आप चाहे तो कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, प्लस 2, तो मैं लिख दिया 3x रेज टू पावर 20 प्लस 2, आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 टर्म्स हैं और डिग्री x रेज टू पावर 20, हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी डिग्री 20 हो गई और बाइनोमियल हो गई। थर्ड पार्ट में ट्राइनोमियल लिखनी है डिग्री 2 की, ट्राइनोमियल का मतलब है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 होनी चाहिए, तो यानी आप डिग्री 2 की है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, कोई भी लिख सकते हैं, सपोज 4x रेज टू पावर 2 प्लस 5x माइनस 1, तो देखिए 1, 2, 3 टर्म होगी, यानी ट्राइनोमियल, और डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। देखिए सेवंथ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दो अलग अलग पॉइंट्स पर, पहली बार x इक्वल टू 3 पर और फिर एक बार x इक्वल टू माइनस 3 पर। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम पॉलिनोमियल को, px से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। हमें x इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, मतलब जहां जहां x है हमें वहां 3 पुट करना है, तो आप लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 3, तो जो पॉलिनोमियल बनेगी p ऑफ 3 क्या बनेगा, देखिए 3 इंटू x के प्लेस पे 3 लिखेंगे, 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू x के प्लेस पे अब 3 लिखना है, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5, तो ये होगा 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21 माइनस 5, तो 27 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 81 माइनस 9 मल्टीप्लाई 4 36 प्लस 21 माइनस 5, तो ये देखिए क्या आएगा, 81 और 21 प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 102 माइनस 36 माइनस 5 माइनस 41, तो ये कितना बचेगा देखिए 61, तो ये देखिए वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू 3 61। अब यही वैल्यू इसी पॉलिनोमियल की हम कैलकुलेट करेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, तो मैं पॉलिनोमियल एक बार फिर से लिख लेता हूँ, देखिए px क्या है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, तो अब मुझे x के प्लेस पे माइनस 3 पुट करना है, तो लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 3, क्या आएगा p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 3 क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर
प्लस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 5। अब 3 इंटू माइनस 3 है तो ऑड नंबर पावर है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा, और 3 का क्यूब 27 होता है। माइनस 4 माइनस 3 पावर इवन नंबर है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 7 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 21 माइनस 5। तो 3 को माइनस 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 81 माइनस 36 माइनस 21 माइनस 5, सारी वैल्यूज नेगेटिव में है तो सारी ऐड हो जाएंगी, तो इट बिकम्स माइनस 143। तो ये वैल्यू आ गई पॉलीनोमियल की एट x इज इक्वल टू माइनस 3। देखिए 8th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का। हमें एक पॉलीनोमियल गिवन है px x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और हमें इवेल्युएट करना है पॉलीनोमियल की, एक तो वेरिएबल 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू 2 पे, फिर माइनस 1 पे और 1 बाय 2 पे, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें ये तीनों वैल्यूज पहले अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पे, तो p ऑफ 2 निकल जाएगा हमारे पास। देखिए क्या आएगा, x के प्लेस पे 2 रख देंगे आप, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। सॉल्व करके आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 1। फिर हमें निकालनी है वैल्यू माइनस 1 पे, यानी अब x के प्लेस पे हम माइनस 1 पुट कर देंगे इसी पॉलीनोमियल में, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 और प्लस 3। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 और प्लस 3, तो ये आ गया 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। और अब वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पर, तो आप पॉलीनोमियल में x के प्लेस पे 1 अपॉन 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व कर दीजिए, 1 अपॉन 4 माइनस ये कट जाएगा, 2 टू 4 माइनस 2 प्लस 3, यानी ये आ गया 1 अपॉन 4। अब माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है प्लस 1, अपॉन 1 लगा के एलसीएम ले लें इसका, 1 प्लस 4 यानी 5 अपॉन 4। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है। देखिए जो p की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे आई थी वो आई है हमारे पास माइनस 1, p की वैल्यू पॉलीनोमियल की x इक्वल टू माइनस 1 पे जो आई है वो है 8, और 1 अपॉन 2 पुट करने पे जो वैल्यू आई है वो है 5 अपॉन 4। हमें जो इवेल्युएट करने के लिए कहा गया था वो पी टू माइनस पी माइनस 1 प्लस पी 1 अपॉन 2, ये कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो पी टू की वैल्यू माइनस 1 आई थी, देखिए माइनस इसकी पी माइनस 1 की वैल्यू माइनस 8 थी, और 1 बाय 2 की वैल्यू प्लस 5 अपॉन 4। माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 5 अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 9 4 जा 36 माइनस का और प्लस 5 एज इट इज, तो ये आ जाएगा माइनस 31 बाय 4। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, लिखा है फाइंड पी 0 पी 1 पी माइनस 2 फॉर द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। मतलब हमें पॉलीनोमियल गिवन है और हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू माइनस 2 पे, अलग अलग तीनों पार्ट्स के साथ। तो पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, पॉलीनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3। सबसे पहले पुट करेंगे x के प्लेस पे 0, तो हमारे पास पी 0 की वैल्यू निकल जाएगी, देखिए 10 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगी टर्म्स, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म बचेगी यानी कि माइनस 3। तो फर्स्ट पार्ट में पी 0 की वैल्यू आ गई है माइनस 3। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, और जब आप x के प्लेस पे 1 लिखेंगे तो पी 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3। तो 10 मल्टीप्लाई 1 10 माइनस 4 माइनस 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आ जाएगा 10 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, 10 माइनस 7 3, तो P1 की वैल्यू 3 आ गई। और अब थर्ड वैल्यू लास्ट पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 हमें करना है यहाँ पर गिवन पॉलीनोमियल के अंदर, तो P माइनस 2 की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 10 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3। तो 10 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 20, और माइनस 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 4 इंटू, साथ में माइनस 3 हमारे पास एज इज रहेगा, माइनस 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस 3, यानी माइनस 20 माइनस 16 माइनस 3 माइनस 19 यानी माइनस 39। तो ये पी ऑफ
माइनस टू की वैल्यू आ गई। तो ये तीनों वैल्यूज हमने फर्स्ट पार्ट में गिवन पॉलिनोमियल के लिए कैलकुलेट कर दी। सेम प्रोसेस हम सेकंड पार्ट में अप्लाई करेंगे जहां पर हमें पॉलिनोमियल दे रखी है पी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस टू वाई माइनस टू। तो सबसे पहले देखिए वाई के प्लेस पे हम जीरो पुट करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, तो पी जीरो निकल आएगा, यानी जीरो प्लस टू इंटू जीरो माइनस टू, यानी टू और माइनस टू को मल्टीप्लाई करना आपने, सीधा सीधा माइनस फोर आ गया। अब बात करेंगे y इज इक्वल टू वन पे, तो पुट y इज इक्वल टू वन, तो देखिए क्या आएगी वैल्यू, वन प्लस टू इंटू वन माइनस टू, वन प्लस टू थ्री और वन माइनस टू माइनस वन, यानी माइनस थ्री वैल्यू आ गई। और थर्ड लास्ट वैल्यू जो हमने निकालनी है वो है y इज इक्वल टू माइनस टू पर, तो p ऑफ माइनस टू लिख देंगे, देखिए तो माइनस टू प्लस टू और माइनस टू माइनस टू, माइनस टू प्लस टू तो जीरो होता है, इंटू में माइनस टू माइनस फोर, तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट जीरो आता है। तो पी ऑफ माइनस टू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए हमें। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है माइनस थ्री इज ए जीरो ऑफ एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री देखिए क्लियर है लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होती है अगर हमें उनके जीरोस चेक करने हैं तो सबसे आसान तरीका यही होता है, आपने उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देना, पुट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है तो उसकी एक ही जीरो एग्जिस्ट करती है, और एक्स माइनस थ्री जो भी पॉलिनोमियल है जैसे यहां पर एक्स माइनस थ्री है इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही उसकी जीरो बनेगी, यानी माइनस थ्री इधर जाके प्लस का थ्री हुआ, x इज इक्वल टू थ्री आया, यानी थ्री जो है x इक्वल टू थ्री इस पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट जीरो है, हमें क्या कहा गया माइनस थ्री, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट हो गई ये फॉल्स हो गई फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछा माइनस वन बाय थ्री इज जीरो ऑफ थ्री एक्स प्लस वन, ये भी लीनियर है तो आप इसको भी इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा और एक्स की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री, हमें माइनस वन थ्री कहा गया था और माइनस वन बाय थ्री ही आया है सॉल्व करके, तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बात करेंगे थर्ड पार्ट की माइनस फोर अपॉन फाइव इज ए जीरो ऑफ, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है तो आपने डायरेक्टली जीरो टू के इक्वल पुट कर देना, पुट फोर माइनस फाइव वाई इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव वाई उधर जाके प्लस का बन जाएगा फोर इक्वल टू फाइव वाई और वाई की वैल्यू आ जाएगी फोर अपॉन फाइव, तो देखिए हमें दी गई थी माइनस फोर अपॉन फाइव, आई प्लस की है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स हो जाती है। सिमिलरली हम फोर्थ स्टेटमेंट चेक करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आ रही है, जीरो एंड टू आर द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू टी, तो इसको भी वैसे ही चेक कर लेते हैं, पुट टी स्क्वायर माइनस टू टी इज इक्वल टू जीरो। जो ये टी स्क्वायर और टू टी है इन दोनों में से आप टी कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा यहां से टी माइनस और यहां से टू इक्वल टू जीरो, तो फैक्टर्स बन गए। देखिए एक बार आप टी को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और एक बार t माइनस टू को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो एक तो वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू जीरो, हमें जीरो ही कही गई थी वो ठीक है, दूसरी वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू टू, वो भी टू ही कही गई थी, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है हमारी। फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे माइनस थ्री इज जीरो ऑफ, माइनस थ्री कहा गया जीरो चेक करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स, तो इसके अंदर इस पॉलिनोमियल में हम y के प्लेस पे अभी माइनस थ्री पुट कर देते हैं, देखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक ही जीरो चेक करनी है तो y के प्लेस पे माइनस थ्री पुट कर दो, अगर रिजल्ट जीरो के इक्वल आया तो यस, नहीं आया तो नो, तो y के प्लेस पे माइनस थ्री पुट कर रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है माइनस थ्री स्क्वायर वाई के प्लेस पे माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, प्लस माइनस 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 थ्री माइनस सिक्स, यानी नाइन माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब यस ये इसका जीरो है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल की जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी ये एब्सोल्युटली ट्रू है। देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जीरोज निकालने हैं हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इज टू एक्स माइनस फोर, जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है आपको, वैल्यू ऑफ एक्स रूट्स भी बोलते हैं उसको, तो सीधा सबसे आसान तरीका पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है आप उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दें, उससे जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स माइनस फोर था हमने इक्वल टू जीरो पुट किया, एक्स इक्वल टू फोर आ गया तो एक्स इक्वल टू फोर ये जीरो आ गया, यही कैलकुलेट करना चाह रहे थे, यही कहा भी गया था,
सेकंड पार्ट में देखते हैं जी एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 माइनस 6 एक्स, सेम प्रोसीजर। अब इस पॉलिनोमियल जी एक्स को हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी 3 माइनस 6 एक्स इक्वल टू 0 करना है, यानी 3 इज इक्वल टू 6 एक्स आ जाएगा और x की वैल्यू 6 अपॉन में आ जाएगा इसके, 3 अपॉन 6 कैंसिल कर देंगे, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2, x की वैल्यू को ही 0 बोलते हैं। थर्ड पार्ट में qx लिखा है, 2x माइनस 7 है, सेम प्रोसीजर, पुट qx इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 7 को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, माइनस 7 उधर जाके प्लस 7 बनेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 2 और वैल्यू ऑफ x ही हमें कैलकुलेट करनी है। फोर्थ पार्ट में एच वाई लिखा है, यानी वेरिएबल y हो गया, पर वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड सेम रहेगा, एच वाई को आप 0 पुट कर देंगे, यानी 2y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 के अपॉन में जाके 0 ही हो जाएगा, तो इसका 0 जो है वो 0 ही आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12th क्वेश्चन में देखते हैं, एग्जैक्टली सेम इसी प्रोसीजर पे है, 12th क्वेश्चन में भी यही लिखा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज बताने हैं, तो पॉलिनोमियल है, जीरोज बताने हैं, तो प्रोसीजर वही रहेगा, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखिए मैं 0 के इक्वल पुट कर रहा हूं, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं, देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो a माइनस b होल स्क्वायर का पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस साइन है वो एज इज रहेगा, यहां ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 0। जो फॉर्मूले यूज किए हैं वो मेंशन कर देते हैं ताकि याद रहे कि हाँ हमने क्या अप्लाई किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ये दो फॉर्मूले अप्लाई किए। अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए हम क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 4x, बाहर माइनस साइन है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 4x और इज इक्वल टू 0। अब कुछ टर्म्स यहां पर हमारी कैंसिल हो जाती है जिनके साइन अपोजिट हैं, जैसे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4 और माइनस 4, तो बचा क्या, माइनस 4x और माइनस 4x एड अप हो जाएंगे, माइनस 8x इज इक्वल टू 0, यानी जो x की वैल्यू आने वाली है वो 0 अपॉन माइनस 8 आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3, जिसके आज हमने आपको 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, अपनी कॉपी में एक बार रिवाइज जरूर करना है। वीडियो को क्लास 9th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें। हमारा चैनल द वेदिक गुरुज, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।